नमस्कार वीक्षकरे, यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ತೌಸಿಫ್. ह्यूमैनिटी केयर एसोसिएशन ने दिया इंसानियत का सबूत. बीजापुर शहर के वार्ड नंबर 20 के जेएम रोड केजबी कॉलोनी में ह्यूमैनिटी केयर एसोसिएशन की टीम की ओर से ज़रूरतमंद बच्चों को स्कूल बैग दिए गए. हमेशा ह्यूमैनिटी केयर एसोसिएशन के मेंबर्स लोगों के हित में ही इंसानियत का काम करते हैं. सलाम करते हैं हम ऐसे नौजवानों को जो लोगों के हित में काम करते हैं. इसी के चलते हमारे माध्यम से ह्यूमैनिटी केयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इम्तियाज़ मुल्ला, उमर पठान, अयूब कालेबाग मुल्ला साहब ने बात करके जानकारी दी. इस मौके पर ह्यूमैनिटी केयर एसोसिएशन के सभी मेंबर रहे शामिल. आज ह्यूमैनिटी केयर एसोसिएशन के जानिब से जो स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट स्कूल में सीखते हुए बच्चे, उन बच्चों को हमने बैग फ्री में तकसीम किया है. क्योंकि इलम जो है ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी तरह से बच्चों की इलम की हम सारे लोग फ़िक्र करेंगे तो ये बच्चे हमारे हिंदुस्तान का एक नया फ्यूचर बनेंगे. जैसे कि कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा और जो है कोई वकील बनेगा. हमारे देश के भलाई के काम के लिए सारे ये बच्चे आगे फ्यूचर में हमें काम आएंगे. इसलिए हमने क्या किया है, ये जितने भी ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं मोहल्ले में हमें जाकर बैग तकसीम किए हैं. और आज भी है कुछ बच्चों को हमने बैग दिया है. जो हमारा एनजीओ का काम ही जो है कौन से भी अलग अलग सीज़न में अलग अलग हम काम करते आए हैं. इससे पहले भी आपके माध्यम के ज़रिए हमने स्कूल नंबर 3 में भी बैग्स दिए थे पिछले साल. इस बार भी हमने बैग दिए हैं. तो क्योंकि हमारा जो मकसद है एनजीओ का सिर्फ़ और सिर्फ इलम को आगे बढ़ाना है. आज देखिए, आज कई बच्चे इतना खुश हुए हैं कि ये बैग लेकर के उनको एक उम्मीद जागी कि हम स्कूल ला चुकाएँ. तो अपने तरीके से हम जो बच्चों को खुश कर इस बच्चों को आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हम बच्चों की पढ़ाई को आगे कामयाब करेंगे. ये कौन से वार्ड में क्या? ये हमारा जो है 20 नंबर वार्ड आता है. कौन सी गली? ये लतीफ़ नगर केजबी कॉलोनी. तो कितने बच्चों को आपने बैग दिए? देखिए, मोहल्ले में ही नहीं, मैं ऐसा बहुत सारे बच्चों को 60 बैग्स हमने टोटल दिए हैं. आज थोड़े बच्चों को दिया है और कई लोगों को हमने जाकर घर पर पहुंचाया है. टोटल 60 बैग्स दिए हैं हमने. बैग ही दिए हैं या उसके अलावा कुछ दिए हैं? अब फिलहाल तो बैग ही दिए, इसके अलावा कोई कुछ नहीं दिया. आगे इंशाल्लाह फिर और बच्चों के लिए कुछ देंगे. तो आए दिन आप ह्यूमैनिटी केयर से कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ये आपके खुद की पसंद से करते हैं या आपको कोई फंडिंग वगैरह होती है? नहीं, हमारे एक्चुअल जो है हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वही कंट्रीब्यूशन करता है. जैसा अभी ग्रुप है, उसके अलावा अगर हमारे एनजीओ में मेंबर नहीं भी है या हमारा जैसा दोस्त है तो वैसे लोग भी हमें हेल्प करते हैं. ऐसे कोई पर्टिकुलरली लीडर कोई हमें फंडिंग नहीं करता, ये सब हमारे दोस्त और अहबाब जो हमारे साथ रहते हैं वही लोग फंड करते हैं. और उन लोगों से जो के पास बहुत कुछ है, क्या आप करना चाहेंगे कि आपके ट्रस्ट को कोई हेल्प करे? देखिए, बहुत सारे लोग अच्छा काम करते भी आए हैं, हम भी देख रहे हैं. और जो अगर हमें सपोर्ट करना चाहता है या हमसे जुड़कर काम करना चाहता है उनको ऑलवेज हम वेलकम करेंगे. आकर हम और वो मिलकर काम करने की फिक्र करके एक नई उम्मीद लोगों में लाएंगे इंशाल्लाह इलम के बारे में. तो यही हमारी ह्यूमैनिटी केयर एसोसिएशन के ज़रिए से लोगों के लिए एक मांग है कि हम इलम का फिक्र करें, कि इलम बहुत इम्पोर्टेंट है. यही मेरा नाम इम्तियाज़ मुल्ला, ह्यूमैनिटी केयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. आज हम ह्यूमैनिटी केयर एसोसिएशन की जानिब से बच्चों को स्कूल बैग दिए हैं. हमारा एक मकसद है स्कूल बैग देने का कि हम एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ हम इतने ही लोग कर रहे हैं. हम ये चाहते हैं कि हमारा देखकर बहुत सारे लोग जो जिनके पास दौलत है वो भी गरीब बच्चों को सपोर्ट करें. अब हमारी इस्तेदाद जितनी है उतना हमने बच्चों को सपोर्ट किया है. तो हम ये चाह रहे हैं कि हर एक बच्चा स्कूल को जाने वाला बने, पढ़ने वाला बने, मुल्क का फ्यूचर बने, हम ये चाह रहे हैं. तो इस वजह से हम क्या है हर एक बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं. तो मेरी ये गुजारिश है कि जो भी लोग हैं जिनके पास अल्लाह ताला ने माल और दौलत दिया है तो वो भी क्या है गरीब बच्चों को सपोर्ट करें और एजुकेशन को क्या है सपोर्ट करके मुल्क का एक फ्यूचर बनाएं. मेरा नाम मोहम्मद उमर खान. अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने ह्यूमैनिटी केयर एसोसिएशन की जानिब से बच्चों को बैग तकसीम करे हैं. बैग्स तकसीम करने का मकसद ये नहीं
कि हम कोई दिखावा करें, बल्कि हम सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो ये बच्चों की हिम्मत जो बढ़ाना है, तो ये बच्चों को बैग्स दीजिए, जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके एजुकेशन के बारे में आप तवज्जो दीजिए। अगर आप उन बच्चों को तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह फ्यूचर में ये बच्चे कुछ ना कुछ बनेंगे, जैसे कोई वकील बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा। इसी तरह से हमारे इस पूरे मुल्क के अंदर एक अच्छा काम चलेगा। तो मैं जितने भी NGO हैं, मैं उनसे सभी से गुजारिश करता हूँ कि वो इन बच्चों पर और एजुकेशन के ऊपर खास तवज्जो ध्यान दें, और ख़ास करके जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पर बच्चों को खास करके तवज्जो दें। जी, मेरा नाम अयूब कालेबाग, ह्यूमैनिटी केयर एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट। अस्सलाम वालेकुम। ये ह्यूमैनिटी केयर एसोसिएशन के जो कार्यकर्ता हैं, ये जो लोग हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब गरीब बच्चों के लिए जो है इन्होंने जो आज बैग तकसीम किया है, इससे पहले इन्होंने बहुत से कारनामे अंजाम दिए हैं, उनका हम तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह ऐसे ही ये काम अगर करते रहेंगे तो गरीब बच्चों के लिए जो है एक अच्छा काम नज़र में आ जाएगा। और इसी तरह से जितने भी जो अमीर लोग हैं, इनका ज़रा आगे बढ़कर इनका काम करते रहें, और ये बच्चों के लिए जो है इनका फ्यूचर बनाएं, और इनकी जो गरीबों की जो तकलीफ़ें हैं इनके लिए जो है बैग तकसीम करना, किताबें तकसीम करना, इसके अलावा और उनके जो ज़रूरतें हैं, ये हम सब मिलकर अगर काम करेंगे तो बच्चे जो आला तालीम पाएंगे। बस इतना कहकर मेरे डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972959999 और 8050828793। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.